लेकिन आजकल जब प्रेम करते हैं, हट गए तब बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को, बाल बच्चा लेकिन उतना किया, और उसी में कई गो बेटी को, दुगो बेटा को, सबको लगा करके। अब आप समझ लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते रहते हैं तो कहीं पुरानी बात को भूल जाते हैं, इसलिए हम सब जगह आपको बता देना चाहते हैं कि कोई काम नहीं होता था, और कितना ज्यादा होता था जी, कोई बाहर नहीं निकलता था, आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई नहीं था, कोई इंतजाम कहीं पर नहीं था, इलाज तक नहीं होता था, क्या हालत था। रहे कुछ भी आप हमको कह सकते हैं, जो मन करे वो कहे, अब वो जो भी कहेंगे मेरे लिए आशीर्वचन होगा और आशीर्वाद होगा, लेकिन बात ये है कि व्यक्तिगत बातें बोलने से क्या बिहार के लोगों को फायदा होगा, और व्यक्तिगत बातें जो है इस समय ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, हालांकि कुछ भी बोले हम तो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वचन ही मानेंगे, लेकिन चुनाव में मुद्दे जो है मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और किसी को इस तरह से व्यक्तिगत बात बोल करके बिहार के लोगों का ना बिहार का फायदा है, इससे फायदा किसका है, और ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है और उनकी भाषण हम सुन रहे हैं आजकल, और इस भाषण में वो क्या बोल रहे हैं भाई, कौन उनको लिख करके दे रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें समझ में नहीं आ रही कि कम से कम कपड़ों पर या जो भी बातें हम लोग देख रहे हैं, ऐसी बातें बोलने लग नहीं रहा कि लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये कोई परिवार परिवार लड़ रहा है क्या, ये लोकसभा का चुनाव है, बेरोजगारी पे बात कीजिए, बिहार के विशेष पैकेज के बारे में बात कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कीजिए, पलायन कैसे रोकेंगे मुख्यमंत्री जी ये बताइए, लेकिन इस तरह की भाषा, और आपको भी याद होगा 2020 में भी उन्होंने क्या कहा था, हमारे परिवार के ऊपर भद्दी बातें बोली थी, आप लोगों ने भी देखा होगा, तो हम तो इस पे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे स्वस्थ रहें, सुखी रहें, है ना, और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं।